डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से पहले लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसकी रचना खुशवंत सिंह ने की है, कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस लेसन में खुशवंत सिंह ने अपनी उस दादी माँ के चित्र को प्रस्तुत किया है जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे इस संबंध में कई परिवर्तन आते गए। ये परिवर्तन केवल परिस्थितियों के कारण थे, लेकिन अपने पोते के प्रति उस दादी माँ का प्रेम उसके मरने तक अपरिवर्तित ही बना रहा था। ये पाठ हमें दादी माँ और उसके पोते के बीच बने हुए संबंध के बारे में बताता है। इस पाठ का उद्देश्य बूढ़े दादा दादी के प्रति छोटे बच्चों में प्रेम और सम्मान की भावना को विकसित करना है। तो देखेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। इसका आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनडाउटेडली ए रिलीजियस लेडी, सी वुड ऑलवेज टेल द वीड्स ऑफ हर ग्रॉसरी एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, सी वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन सी वाज इन द विलेज, सी ऑल्सो रीड स्क्रिप्चर्स, सी वाज अपसेट व्हेन सी केम टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन हर ग्रैंडसन्स स्कूल। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, इफ यस गिव इंस्टेंसिस दैट शो दिस। तो इसका आंसर होगा, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, सी हैड हर ओन कन्विक्शंस विच सी स्ट्रॉन्गली फॉलोड, सी टुक गुड केयर ऑफ द ऑथर इन द विलेज, सी लव्ड हिम वेरी मच बट व्हेन सी केम टू नो दैट थिंग्स वर नॉट गोइंग हर वे सी एक्सेप्टेड इट विदाउट मेकिंग एनी फस, व्हेन हर ग्रैंडसन वेंट अब्रॉड सी वाज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल, सी वाज काम एंड कंपोज्ड अबव ऑल सी एक्सेप्टेड हर डेथ एज कामली एज सी हैड बीन एक्सेप्टिंग अदर चेंजेज टेकिंग प्लेस अराउंड हर। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाई बाज हिज ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन एट इंग्लिश स्कूल। तो इसका आंसर होगा, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द इंग्लिश स्कूल सो सी वाज अनहैप्पी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाट वाज हिज
ग्रैंड मदर्स हैप्पी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, तो इसका आंसर होगा द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे बाज भैन हिज ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, इसका आंसर इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट, तो इसका आंसर होगा हिज ग्रैंड मदर गेव द ऑथर ए स्टेल चपाटीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रीड ऑन इट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू द स्कूल विद द ऑथर, तो इसका आंसर होगा हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है भाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल, तो आंसर होगा इसका इंग्लिश वर्ड्स लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस द लॉ ऑफ ग्रेविटी ज्योग्राफी एंड म्यूजिक वर टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच एक्ट ऑफ काइंडनेस वाज डन बाई हिज ग्रैंड मदर एट द विलेज, तो इसका आंसर लिखा जाएगा हिज ग्रैंड मदर यूज टू फीड द डॉग्स विद स्टेल चपाटीज दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस वाज डन बाई हर एट द विलेज। अगला और क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट आंसर में वो है हाउ डिड हिज ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर फ्रॉम एब्रॉड, तो आंसर होगा इसका हिज ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नाइबरहुड एंड सेंग द सॉन्ग होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन जो है ये नौवां क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, तो आंसर लिखेंगे द बर्ड्स सैट साइलेंटली अराउंड हर श्रॉड टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम दे फ्लो अवे क्वाइटली फ्रॉम देयर। और लास्ट दसवां क्वेश्चन जो है हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक, तो आंसर लिखेंगे इसका सी वाज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो इस तरह से पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो खुशवंत सिंह लिखा है इसके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनके आंसर्स हुए। आप लोग इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।